नमस्कार। उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत है। हम लोगों का एक कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम जो व्याख्यान हैं उन विभिन्न व्याख्यान को हम उसका इलेक्ट्रॉनिफिकेशन करके उनका ई कंटेंट जनरेट करना चाहते हैं, और इसके लिए हमारे विभिन्न विषय विशेषज्ञ पूरे जो राज्य से हैं और राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक हैं उनको हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। उनके द्वारा ये व्याख्यान लिए जा रहे हैं और इसका अभिप्राय यह है कि ये इस प्रदेश के कोने कोने में हम विद्यार्थियों के पास ले जा सकें, ताकि ये चाहे मोबाइल के माध्यम से हो, चाहे उनके हैंडहेल्ड डिवाइसेस में हो, कंप्यूटर्स में हो, ये उसको देख भी सकें और इसके द्वारा विज्ञान के प्रति अभिरुचि जागृत हो सके। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है हमारी जो लेक्चर सीरीज चल रही है वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म के ऊपर चल रही है। लास्ट टाइम हमने स्टीरियो आइसोमेरिज्म का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, आप लोगों ने देखा था कि आइसोमर्स जो हैं दो ब्रॉड क्लासेस में हमने क्लासिफाई किए थे। एक हमने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स देखे थे और एक हमने स्टीरियो आइसोमर्स देखे थे, ठीक है ना। आप लोग ने अगर प्रीवियस लेक्चर ना देखा हो तो उसको जरूर देख लें, और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो आप लोग देख रहे हैं उसको मतलब उससे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जो है अपने से भी घर पर करके देखें, ठीक है। बच्चों, ये जो लास्ट लेक्चर था वो बड़ा एलिमेंट्री लेक्चर था, उसको मिस तो बिल्कुल नहीं करना है, मगर उसको करते समय एक बात और भी ध्यान रखनी है। आप जब इसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो साथ साथ आपको उनके IUPAC नेम की भी एक्सरसाइज करनी है। कहने का मतलब ये केवल यूनिडायरेक्शनल ना हो, आप लोगों को आइसोमेरिज्म के साथ साथ IUPAC नेमिंग का फंडा भी क्लियर होता जाए। और कुछ बच्चे जिनको बहुत ही ज्यादा केमिस्ट्री मतलब शुरुआती लेवल से केमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं वो इस चीज का भी ध्यान दें कि वैलेंसीज कैसे पूरी होती है, किसी एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में वैलेंसी कैसे पूरी होती है। जैसे हम लोग कार्बन की कुछ चेन बना रहे हैं, 4 कार्बन की ऐसी चेन बना रहे हैं, तो हम टर्मिनल कार्बन को हमेशा CH3 दिखा रहे हैं, देखिए, और जो मिडिल कार्बन है उनको CH2 दिखा रहे हैं, क्योंकि हर कार्बन को हमने 4 वैलेंसी पूरी करनी है। आप देख सकते हैं 2 वैलेंसी तो इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन है और 2 वैलेंसीज में ये सिंगल बॉन्ड की तरह से देख रहे हैं, तो 4 वैलेंसीज इसकी पूरी हो रही है। अब आप टर्मिनल कार्बन को देखें तो 3 वैलेंसीज में हाइड्रोजन के नाम पे है और 1 वैलेंसी सिंगल बॉन्ड है, तो 4 वैलेंसी पूरी हो रही है। इसी तरीके से कहीं कहीं पे हमने डबल बॉन्ड के एग्जांपल्स किए हैं, तो C डबल बॉन्ड C, तो यहाँ पे हमने देखिए टर्मिनल कार्बन को भी CH2 CH2 लिखा, जिससे आप देख सकते हो 2 वैलेंसी तो हाइड्रोजन की फॉर्म में है और 2 वैलेंसी इसकी डबल बॉन्ड की फॉर्म में है। तो इस तरीके के एलिमेंट्री लेक्चर्स को भी आप इसके साथ कोरिलेट करते हुए पूरी की पूरी केमिस्ट्री को एक बार सीखने की कोशिश करें। बहुत अच्छे लेक्चर्स चल रहे हैं। तो आप लोगों ने स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर कॉन्फिगरेशनल और कॉन्फर्मेशनल दो टाइप के आइसोमर्स देखे, और हमने कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स को भी फर्दर क्लासीफाई करके बताया था कि कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स में एक तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है और एक ऑप्टिकल आइसोमर्स है, जिनमें से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था। इस क्लास के एंड में लास्ट में हम लोग आपको कुछ एग्जांपल भी देंगे जिनमें आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स छांटने होंगे। आप लोगों को ध्यान होगा तो आपने सिस ट्रांस टाइप के आइसोमर्स उसमें देखे थे, आपने सिन और एंटी टाइप के आइसोमर्स उसमें देखे थे, और कुछ केसेस में ई और जेड कैटेगरी भी आई थी। तो इन सब कैटेगरीज को आप लोगों को बच्चों एक बार से क्या है अपने से एक्सरसाइज करने, मैं कुछ एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन जरूर आपको दूंगा, आप उनको करके उनके आंसर्स जरूर मैच करेंगे सो दैट कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाए। तो ये तो हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का पार्ट था जिसके लिए हमने देखा था कि सी डबल बॉन्ड सी या फिर डबल बॉन्ड कंटेनिंग कोई भी कंपाउंड, क्योंकि इसमें फ्री रोटेशन नहीं हो पाता, ऐसे कंपाउंड्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं। और इसमें आपने सी डबल बॉन्ड सी के अलावा सी डबल बॉन्ड ओ या फिर एन डबल बॉन्ड एन, इस तरीके के कंपाउंड्स भी देखे थे। हम लोगों ने बहुत डिटेल में ये एग्जाम्पल्स जो है इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी डिस्कस किए थे, और कुछ साइक्लिक कंपाउंड्स भी इस कैटेगरी में आते हैं इस तरीके की, जैसे साइक्लोप्रोपेन हो गया तो इसके 2 डेरिवेटिव्स इस तरीके से भी बन सकते हैं, आप लोगों ने देखा था लास्ट एग्जांपल्स में। इस तरीके से भी इसके ट्रांस और सिस आइसोमर्स जो हो सकते हैं वो पॉसिबल हो सकते हैं। ये केसेस तो हमने प्रीवियसली डिस्कस कर लिए थे। आज जो हमारा लेक्चर है, जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो रहेगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसको हिंदी में कहते हैं प्रकाशिक समावयवता। प्रकाशिक समावयवता क्या है?
ऐसे कोई दो आइसोमर, ऑब्वियस सी बात है, ऐसे कोई दो स्टीरियो आइसोमर्स जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं, उनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होते हैं, मगर डिफरेंस उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में होता है, जो कि उनके ऑप्टिकल मतलब प्रकाश के प्रति व्यवहार के कारण होता है। कहने का मतलब दो आइसोमर्स प्रकाश के प्रति दो अलग अलग तरीके के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं और उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और बाकी ज्यादातर चीजें सेम होती हैं, तो ऐसे आइसोमर्स एक दूसरे के प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाते हैं। और इस एग्जाम्पल को आगे लेते हुए हम आपको कंपाउंड्स का एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखिए होता क्या है, ऐसा पाया गया है कि बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स के सॉल्यूशंस को जब इन्होंने लिया एक्सपेरिमेंटली और उन्होंने उसमें प्लेन पोलराइज लाइट को जब उन्होंने डाला, जब बहुत सारे कंपाउंड्स के सॉल्यूशंस को, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सॉल्यूशंस को, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सॉल्यूशंस को जब लिया और उनमें प्लेन पोलराइज लाइट डाली, तो उन्होंने देखा कि प्लेन पोलराइज लाइट की डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई, डायरेक्शन चेंज हो गई। तो इस डायरेक्शन चेंज होना, इस प्रकाश की डायरेक्शन के चेंज होने के कारण को पहचानते हुए साइंटिस्टों ने इस प्रॉपर्टी का नाम दिया ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो इस तरीके की प्रॉपर्टी रखने वाले कंपाउंड्स के अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होती है। बच्चों दोबारा से देखें, प्लेन पोलराइज लाइट ये क्या है, मैं भी आपको ये समझा देता हूँ पहले। मगर प्लेन पोलराइज लाइट को जब कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सॉल्यूशंस में डाला, तो साइंटिस्टों ने ऑब्जर्व किया कि लाइट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज अलग अलग डायरेक्शन में चेंज हो रही थी, और ये प्रॉपर्टी कुछ ही कंपाउंड्स में थी, कुछ ही कंपाउंड जो थे इस तरीके की प्रॉपर्टी दिखा रहे थे। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को उन्होंने स्पेशल केस मेंशन करते हुए उन्होंने कहा कि ये ऑप्टिकल एक्टिविटी है, और ऐसे कंपाउंड्स जो कि इस तरीके की प्रॉपर्टीज रखेंगे वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहलाएंगे। ठीक है ना, इसी चीज को हमने ब्रीफली पढ़ना है कि क्यों हो रहा है, किस कारण हो रहा है, तो मैं उसको डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। बच्चों आप लोग देखें, सबसे पहला टर्म यहाँ पे आया है प्लेन पोलराइज लाइट। सबसे पहला जो टर्म हम आपको यहाँ पे सीखना है वो सीखना है प्लेन पोलराइज लाइट। देखिए लाइट का व्यवहार हम सबको पता है, अगर हम यहाँ पे बल्ब जलाएं तो बल्ब केवल यही पे रोशनी नहीं देगा, वो रोशनी हर चारों तरफ जहां पे भी जो भी पॉसिबल डायरेक्शन है उस सब जगह वो क्या करेगा, रोशनी देगा। इतना तो हमारे को जानकारी है। कहने का मतलब अगर हम लोग टॉर्च बल्ब जलाएं तो यहाँ पे भी लाइट मिलेगी, यहाँ पे भी लाइट मिलेगी, यहाँ पे भी लाइट मिलेगी और यहाँ पे भी लाइट मिलेगी। कहने का मतलब लाइट जो है वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। तो इस चीज को हम फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं कि लाइट जो होती है वो उसके वेक्टर्स जो होते हैं हर पॉसिबल डायरेक्शन में होते हैं। एक और ऐसी लाइट्स को ऑर्डिनरी लाइट बोलते हैं, ऑर्डिनरी लाइट कहते हैं। अब ये ऑर्डिनरी लाइट जब निकोल प्रिज्म से होकर के गुजारी जाती है, निकोल प्रिज्म, बच्चों एक विशेष तरीके का प्रिज्म है, प्रिज्म आपको पता है जो कि इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रोसेस करके डिस्पर्स करता है लाइट को। तो ये निकोल प्रिज्म एक विशेष तरीके के क्रिस्टल से, सिलिकेट के क्रिस्टल से मिलकर के बना हुआ है। इस तरीके के निकोल प्रिज्म से जब कोई ऑर्डिनरी लाइट पास की जाती है तो इस निकोल प्रिज्म के ऑप्टिक एक्सिस, जिसे कि हम प्रकाशीय अक्ष कहेंगे, उस प्रकाशीय अक्ष के समांतर, उसके पैरेलल जो कंपोनेंट होते हैं ऑर्डिनरी लाइट में, केवल वही कंपोनेंट क्या हो पाते हैं, दूसरी तरफ जा सकते हैं। प्रिज्म से होकर के आगे केवल वही कंपोनेंट बढ़ेंगे जो कि क्या होंगे, इस निकोल प्रिज्म के ऑप्टिक एक्स के समांतर होंगे। मैं आप लोगों को ये ऑर्डिनरी लाइट जो दिखा रहा हूं तो इसके वेक्टर्स आप लोग देख रहे हैं हर डायरेक्शन में है, मगर ये वाला वेक्टर बच्चों, इस वाले वेक्टर को अगर आप लोग देखें तो ये वाला वेक्टर और ये प्रकाशिक अक्ष, प्रिज्म का प्रकाशिक अक्ष आप लोगों को एक दूसरे के पैरेलल दिख रहा है। अब चूंकि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसलिए हम जो बाहर आने वाली लाइट की बात कर रहे हैं वो केवल यही कंपोनेंट है, केवल एक कंपोनेंट जो कि इस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, वही जो है रिजल्टेंट लाइट बनाएगा, बाहर निकलने वाली लाइट बनाएगा, जिसको कि हम क्या कहेंगे, प्लेन पोलराइज लाइट। ठीक है बच्चों, इसको हम क्या कहेंगे, प्लेन पोलराइज लाइट।
ऑब्वियस सी बात है, अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट वो लाइट है जिसमें लाइट की डायरेक्शन एक ही दिशा में होती है, मतलब वो चारों तरफ डिस्पर्स नहीं होगी। इसका एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं, जैसे हम लोग बल्ब जलाते हैं तो चारों तरफ लाइट होती है, मगर जब हम टॉर्च जलाते हैं तो केवल एक ही तरफ लाइट, हम उधर टॉर्च मारेंगे तो उधर ही दिखाई देगा, इधर नहीं दिखाई देगा। इस तरीके से जिस तरफ हम टॉर्च मारेंगे तो केवल हमें वहीं पर दिखाई देगा। तो इस एग्जाम्पल को आप प्लेन पोलराइज लाइट की तरीके से समझ सकते हैं। इस प्लेन पोलराइज लाइट की हेल्प से हम लोगों को ऑप्टिकल एक्टिविटी समझनी है। तो देखिए, अब ये प्लेन पोलराइज लाइट, ये जो लाइट हमने जिसको कहा कि ये केवल एक डायरेक्शन में वाइब्रेट करती है, ये प्लेन पोलराइज लाइट जब हमने कुछ सर्टेन कंपाउंड्स, मैंने आपको कुछ बोला था कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सॉल्यूशंस से होकर के गुजारी, तो इन कंपाउंड्स ने क्या किया, इस प्लेन पोलराइज लाइट की डायरेक्शन को किसी एक दिशा घुमा दिया, किसी एक दिशा में घुमा दिया। कहने का मतलब ये दो पॉसिबल डायरेक्शन से जहां पे घुमा सकते हैं बच्चों, या तो लाइट इस डायरेक्शन में घूम जाए या फिर लाइट इस डायरेक्शन में घूम जाए, ठीक है। ये यही दो पॉसिबल केस हो सकते हैं, तीसरा तो कोई केस नहीं हो सकता। हाँ, तीसरा एक केस हो सकता है कि या तो कोई लाइट घूमे ही ना, लाइट नॉट रोटेट, तो ये बात तो खैर हम डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं। हमने कहा कि कुछ सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो घुमाते हैं केवल, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो इस वाले केस को तो अभी हम फिलहाल कंसिडर कर ही नहीं रहे हैं, हम केस कंसिडर कर रहे हैं केवल वो वाले जो कि रोटेशन आ रहा है। तो ये रोटेशन जो आ रहा है ये इन कंपाउंड्स के कारण आया है, इसलिए इन कंपाउंड के अंदर ही कोई ऐसी बात है जिसके कारण ये रोटेशन पॉसिबल हो पाया है। तो इन कंपाउंड्स का नाम हमने क्या रख दिया, इनको हमने कह दिया ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, प्रकाशीय सक्रिय कंपाउंड। ये सक्रिय कंपाउंड है जो कि इस तरीके से रोटेशन को पॉसिबल कर पा रहे हैं। अदरवाइज मैक्सिमम जो सॉल्यूशंस कंपाउंड्स आप लोगे तो वो क्या करेंगे, कंपाउंड्स वो लाइट को नहीं घुमा पाएंगे। तो ऐसे कंपाउंड्स की तो हम बात कर ही नहीं रहे। तो आगे बढ़ते हुए बता रहे कि देखिए, वो कंपाउंड जो कि लाइट की डायरेक्शन को क्लॉकवाइज, देखिए क्लॉकवाइज जानते हैं ना, वामावर्त जिसे कहते हैं, क्लॉकवाइज जो कंपाउंड्स लाइट को घुमा देते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। रोटेशन का मतलब हो गया घुमाना, डेक्स्ट्रो मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में, ठीक है। और ऐसे कंपाउंड्स जो कि उनको ऑपोजिट डायरेक्शन में या फिर एंटी क्लॉकवाइज, देखिए घड़ी कैसे घूमती है, ऐसे घूमती है ना, बाएं की तरफ से दाहिने की तरफ घूमती है ना, तो इस तरीके से जो घुमाएंगे क्लॉकवाइज जो घुमाएंगे उनका नाम हमने डेक्स्ट्रो रखा, मगर इसके ऑपोजिट या फिर एंटी क्लॉकवाइज जो घुमाएंगे उनको हमने कहा लीवो रोटेटरी। तो इस तरीके से हमारे पास दो तरीके के केस आएंगे, एक ऐसे कंपाउंड्स हमारे को मिलेंगे जो कि रिजल्टेंट लाइट को डेस्ट्रो या फिर क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, और लीवो मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। तो दो तरीके के हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स यहाँ पे आ जाएंगे। इन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स के अंदर हमारे को कैरेक्टरिस्टिक्स और किस तरीके से ये लाइट को रोटेट करते हैं, ये दोनों फिनोमेना को बच्चों हमने समझना है। ये हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या फिर स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर जो डिस्कशन होना है ये यही होना है आज हमारा, ठीक है बच्चों। इसको आगे बढ़ाता हुआ बोल रहा हूँ। अच्छा, एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन के साथ कनेक्ट करता हूँ। देखिए, हम लोग एक बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल देखते हैं, हम बोलते हैं ग्लूकोन डी, बाजार में क्या आया, ग्लूकोन डी, है ना। हम ग्लूकोन डी खाते हैं, हम कभी ग्लूकोन एल नहीं खाते, है ना। तो ग्लूकोन डी क्या है, ये डी जो डेक्स्ट्रो नाम दिया ना आपने, कुछ कुछ इससे रिलेटेड है। बहुत क्लियरली हम थोड़ा सा आगे पढ़ लेंगे तो हमारे को समझ आने लगेगा। फिलहाल ग्लूकोन डी का मतलब कुछ ना कुछ ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड से है जो कि शायद डी मतलब क्लॉकवाइज लाइट को घुमा देने की जिसके अंदर एबिलिटी है। ओके, इसे आगे बढ़ा रहे हैं बच्चों, लेक्चर को आगे बढ़ा रहे हैं, और हम देखते हैं ये दो तरीके के जो एक्शन हमारे को प्रोड्यूस हुए हैं इनका एक कॉमन सा एग्जाम्पल देखते हैं। एक बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल है, दूध के अंदर एक कंपाउंड होता है लैक्टिक एसिड। ये कंपाउंड क्या है, दूध के अंदर जो मिलता है वो लैक्टिक एसिड कहते हैं। इसका अगर मैं आप लोगों को स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना के दिखाऊं तो CH3 CCOOH OH और H, ये क्या है, दूध के अंदर मिलने वाले लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है, ठीक है ना। ये लैक्टिक एसिड जो होता है इसको इस तरीके से भी बनाया, और एक और पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकता है इसका बच्चों,
वो है, ठीक है, ये दो तरीके से मैं इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स में वैसे तो देखने में कोई खास डिफरेंस नहीं है, देखिए इनका तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, देखा जाए तो इनका तो दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, ठीक है। मगर इन दोनों कंपाउंड्स में एक कंपाउंड को जब एक्सपेरिमेंट करके देखा तो वो लाइट को डी मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा था, और दूसरे को जब हमने देखा तो वो लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा था। कहने का मतलब ये डेक्स्ट्रोमर था और ये लिवोमर था, है ना। अगर ये दोनों एक ही चीज होती तो एक्सपेरिमेंट के बाद लाइट एक ही जैसे डायरेक्शन में घूमनी चाहिए थी, मगर हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट जब किया इन दोनों केसेस में तो ये ऑब्जर्व किया कि डी जो लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड डी जो है वो लाइट को क्लॉकवाइज घुमा दे रहा है, जबकि एल लैक्टिक एसिड जो है वो लाइट को लीवो रोटेट मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे रहा है। तो हम लोगों ने देखा कि ये वाला जो डेक्स्ट्रोफॉर्म था ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो लीवो फॉर्म था बच्चों वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। तो आप लोगों ने ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स के बारे में तो पता कर लिया था, अब आपने ऐसे कंपाउंड्स ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड देख लिए जो एक दूसरे के आइसोमर भी हैं, तो ऐसे आइसोमर्स को ऑब्वियसली बात है हम लोग क्या कहेंगे, ये एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस केवल तभी ऑब्जर्व हो पाएगा जबकि ये दोनों एक दूसरे के लिए लाइट में देखे जाएंगे, जबकि इनको प्लेन पोलराइज लाइट के सामने देखा जाएगा। तो एक कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज घुमा देगा तो दूसरा प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा। इससे जो डिफरेंस उपजेगा उससे पता चलेगा हमें कि इनमें ये दोनों एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, और इनमें से एक फॉर्म डेक्स्ट्रोमर है और एक फॉर्म लिवोमर है, ओके। इस चीज को आगे इन्वेस्टिगेट करते हैं और ये देखते हैं कि इन दोनों कंपाउंड्स में से एक कंपाउंड जो कि दोनों के स्ट्रक्चर एक जैसे हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ कि एक कंपाउंड तो लाइट को क्लॉकवाइज घुमा दे रहा था और दूसरा कंपाउंड लाइट को क्या है एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे रहा था। इस बात की इन्वेस्टिगेट करने के लिए मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल देखो यहाँ पे दे रहा हूँ। आप इस डस्टर को देखें, इस डस्टर का ये स्लोप आपको दिख रहा है, ठीक है ना, ये स्लोप जो है अपवर्ड है बच्चों, है ना। अब फर्ज कीजिए कि यहाँ पे एक लाइट आ रही है और लाइट की बीम यहाँ से टकराती है, लाइट की बीम यहाँ से टकराएगी तो ऑब्वियस सी बात है वो ऊपर की तरफ बेंड हो जाएगी, वो लाइट की बीम जो आएगी वो यहाँ पे टकराने के बाद ऊपर की तरफ बेंड हो जाएगी। अब मानिए इस डस्टर को मैंने यूं नहीं यूं रखा हुआ है, तो अब आने वाली लाइट बीम जब यहाँ पे टकराएगी, इसी सेंटर में टकराएगी, तो इस सेंटर में टकराने के बाद वो क्या करेगी, नीचे की तरफ बेंड हो जाएगी। देख रहे हैं आप, ये दोनों के दोनों केस एक ही जैसे स्ट्रक्चरल फॉर्मूले को दिखा रहे हैं, मगर अरेंजमेंट में डिफरेंस है। एक बार अरेंजमेंट इस तरीके से है कि स्लोप ऊपर की तरफ माउंट हो रखा है, अब जब ये ऊपर की तरफ माउंट हो रखा है तो टकराने वाली लाइट जो है वो अपवर्ड शिफ्ट हो जा रही है, मतलब क्लॉकवाइज शिफ्ट हो जा रही है, क्लॉकवाइज रोटेट हो जा रही है। और अगर मैं इतना सा डिफरेंस कर लूं कि इसका जो सेंटर है वो सेंटर जिससे टकरा रही है वो डाउनवर्ड स्लोप हो रखा है, तो ये इससे में टकराने वाली लाइट जो है डाउनवर्ड मूव कर जाएगी, कहने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से रोटेट करेगी या फिर ये एंटी क्लॉक रोटेट करेगी। तो आप लोगों ने देखा कि केवल इस तरीके की ज्योमेट्री में, इस तरीके की स्टीरियो ओरिएंटेशन में, इस तरीके की त्रिविम्ब संरचना के कारण ये दोनों के दोनों कंपाउंड दो अलग अलग तरीके के रिजल्ट दिखा रहे हैं, ठीक है ना। ये बात बहुत बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि ये चीज व्यवहारिक चीजें हैं, ये चीजें बुकों में भी बच्चों बहुत जल्दी से नहीं मिलती, इस बात को एज इट इज इसी समय ध्यान रखने की जरूरत है कि दोनों के केसेस में डिफरेंस क्या है, वो एक सेंटर है, दोनों के केसेस में एक सेंटर ऐसा है जो कि एक बार तो लाइट को इस तरफ घुमा दे रहा है और एक बार लाइट को इस तरफ घुमा दे रहा है। तो इस बात की पड़ताल देखिए हम लोग फिर दोबारा से इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं, इस स्ट्रक्चर को एक बार हमने और ड्रॉ किया, हम लोगों ने लैक्टिक एसिड के ये दोनों के दोनों जो आइसोमर्स थे दोबारा से ड्रॉ करके बताया कि इसमें इसका मतलब एक ऐसा सेंटर है जो कि लाइट के लिए दो डिफरेंट तरीके के बिहेवियर्स शो कर रहा है। देखिए इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, धीरे धीरे एग्जांपल्स बढ़ने लगे, ये तो शुरुआती एक्सपेरिमेंट था, इसके बाद बहुत सारे एग्जाम्पल जब आए तो उन्होंने सब कंपाउंड्स को लाइन बारी से स्ट्रक्चर बना के देखा कि हाँ सबके पास एक कॉमन तरीके का सेंटर है,
सबके पास एक कॉमन तरीके का सेंटर है, और वो कॉमन बात क्या है कि इस कार्बन से जुड़ी हुए चारों के चारों वैलेंसीज क्या है, डिफरेंट है। चारों के चारों वैलेंसीज क्या है, डिफरेंट है। चारों वैलेंसीज डिफरेंट है मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन है तो यहाँ पे एसिटिक ग्रुप है, तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है। अगर मैं दो जगह हाइड्रोजन से लगा दूं तो शायद ये कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी ना दिखाए। कहने का मतलब अगर मैं इसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप हटा करके केवल हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन को रख लूं तो ये कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने एग्जांपल्स के थ्रू इस बात का कंक्लूजन निकालने की कोशिश की कि ये जो प्रॉपर्टी है ये कहीं ना कहीं इसके सेंटर के कारण आ रही है। इस सेंटर को उन्होंने कैरेक्टराइज किया इन द फॉर्म ऑफ ऐसा सेंटर जहां की चारों के चारों वैलेंसीज डिफरेंट थी, एक जैसी नहीं थी, और ऐसे सेंटर को उन्होंने नाम दिया एसिमेट्रिक कार्बन एटम, एसिमेट्रिक कार्बन एटम या कार्बन सेंटर, एसिमेट्रिक कार्बन सेंटर। तो ऐसे जो भी कंपाउंड्स हमारे को देखने में मिलेंगे, ज्यादातर मैक्सिमम ऐसे जो भी कंपाउंड्स उनको देखने में मिलेंगे जिनके पास ऐसा कोई भी सेंटर होगा, एसिमेट्रिक कार्बन होगा, चारों की चारों वैलेंसीज डिफरेंट होंगी, वो कंपाउंड मैक्सिमम केसेस में पॉसिबिलिटी है कि वो एक ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होगा। इस बात को आप लोगों को सबसे पहले यहीं पे समझ जाना है बच्चों, ठीक है ना। अब आप जैसे जैसे एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि शायद इस कंपाउंड में ऑप्टिकल एक्टिविटी है, तो एसिमेट्रिक सेंटर को आप लोगों ने पकड़ना सीख लिया। ओके, इस एसिमेट्रिक कार्बन सेंटर को पकड़ करके, अच्छा देखिए ये एसिमेट्रिक कार्बन सेंटर के नंबर जितने जितने बढ़ते जाएंगे, देखिए मैं इसको n लिख देता हूं, n से ये एसिमेट्रिक कार्बन का जो सेंटर है मैं इसको n से डिनोट करता हूं, तो यहां पे n की वैल्यू कितनी है बच्चों, n इज 1, यहां पे कितने हैं, n इज इक्वल्स टू 1। तो इसके लिए इन्होंने एक फॉर्मूला ऑब्जर्व किया, 2 टू द पावर n, दिस इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स, यस। ये इन्होंने एक फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला जनरलाइज किया, 2 टू द पावर n, जहां पे n इस केस के लिए 1 है, तो आप इसको लगाएं अगर 2 टू द पावर 1, तो यहां पे आप देखेंगे इसकी वैल्यू 2 आई। कहने का मतलब इस स्ट्रक्चरल फॉर्मूले के में केवल दो ही ऐसे स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं जो कि इस कैटेगरी के ऑप्टिकल आइसोमर्स हों, ठीक है ना, केवल दो ही कंपाउंड्स पॉसिबल हैं जो कि ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे। तो ये आपने फॉर्मूला भी एक साथ साथ बनाना सीख लिया, और इसकी हेल्प से आप फर्दर कंपाउंड्स को भी पता कर लेंगे कि इनके अंदर कितने एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। तो मैं आपको वो एग्जाम्पल्स भी बच्चों बता देता हूं। देखिए अभी हम लोगों ने एक सेंटर वाला का ये पढ़ा, चलिए एक सेंटर वाला एक और देख लेते हैं। ये एक और हमारा एग्जांपल हो गया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्लियरली कि जो कार्बन है इससे जुड़ी हुई चारों की चारों वैलेंसीज क्या है, डिफरेंट है। एक जब आयोडीन है, एक ब्रोमीन है, एक हाइड्रोजन है, तो एक मिथाइल ग्रुप है। चारों वैलेंसीज अलग होने के कारण ये कंपाउंड एक एसिमेट्रिक सेंटर रखता है, और मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है कि ये कंपाउंड एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा। ओके, इस कंपाउंड का एक और जो स्ट्रक्चर पॉसिबल है, इसका जो दूसरा स्ट्रक्चर पॉसिबल है, क्योंकि 2 टू द पावर n की जगह 1 रखेंगे तो ये 2 वैल्यूज आ जाएगी, इसका मतलब एक और इसका आइसोमर पॉसिबल है। और उस आइसोमर को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उस आइसोमर्स को हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये H तो इधर ही लगा दिया, ये CH3 इधर लगा दिया, ये ब्रोमीन अब आयोडीन की जगह शिफ्ट हो गया और आयोडीन ब्रोमीन की जगह ले लेगा, ठीक है बच्चों। तो ये दूसरा जो हमने कंपाउंड बनाया ये बिल्कुल इसके आइडेंटिकल देखने को मिल रहा है, हम देख रहे हैं कि ये कंपाउंड की बिल्कुल नकल है, ये कंपाउंड बिल्कुल कोई भी डिफरेंस नहीं है, एक्सेप्ट यहां पे आयोडीन हमारे राइट हैंड साइड था और यहाँ पे ब्रोमीन लेफ्ट हैंड साइड था, जबकि यहाँ पे ये ऑर्डर रिवर्स हो गया, सिर्फ इतना डिफरेंस के अलावा कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो ये दोनों के दोनों कंपाउंड, इसके बावजूद एक कंपाउंड अगर एल फॉर्म है तो दूसरा कंपाउंड जो है डी फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ये अभी मैं एल और डी जो लिख रहा हूं इनका इससे कोई रिलेशन नहीं है कि मैं इस कंपाउंड को एल बोल रहा हूं, ये थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, इसको जब हम एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे
और अगर ये इसको क्लॉकवाइज घुमाता है तो तब हम इसको डी बोलेंगे, अदरवाइज हम इसको एल बोलेंगे। तो इस पार्ट के लिए अभी आपको मैं ये सिर्फ बता रहा हूँ कि अगर एक फॉर्म एल को रिप्रेजेंट करेगी तो दूसरी फॉर्म ऑब्वियस सी बात है कि डी को रिप्रेजेंट करेगी। अच्छा, इन दोनों के दोनों केसेस में हम लोगों ने जो डिफरेंस बच्चों पाया है वो सिर्फ एक डिफरेंस पाया है, और वो डिफरेंस क्या है कि जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर नंबर वन है, वो स्ट्रक्चर नंबर टू का मिरर इमेज है। हम लोगों ने क्या पाया है कि अगर हम शीशे में इसको देखेंगे बच्चों तो हमारे को ये स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे के वन एंड टू आर मिरर इमेजेस। एक पॉइंट बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे ये सबसे पहला पॉइंट हमने ये पकड़ लिया, ठीक है। और दूसरा पॉइंट बच्चों हम लोगों ने क्या देख लिया यहाँ पे कि इन दोनों के पास एक एसिमेट्रिक सेंटर है जिसके कारण ये कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। दूसरा पॉइंट बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि ये दोनों पे एसिमेट्रिक सेंटर हैं और ये दोनों के दोनों कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव हैं, तो ये दूसरा पॉइंट हमने ऑब्जर्व किया। और तीसरा पॉइंट हमने इसमें क्या ऑब्जर्व किया कि अगर मैं इस मॉलिक्यूल को यहाँ से एक एक तरीके से निकालूं और पूरे स्ट्रक्चर को इसके ऊपर अगर रखने की कोशिश करूं, देखें ये पूरे के पूरे मॉलिक्यूल को यहाँ से प्लग किया और इसके ऊपर रखने की कोशिश की, तो इस हाइड्रोजन से ये हाइड्रोजन छुप जाएगा, क्या हो जाएगा, इससे ये हाइड्रोजन ओवरलैप हो जाएगा, ये कार्बन इस कार्बन को ओवरलैप कर लेगा और ये CH3 इस CH3 को ओवरलैप कर लेगा। इतना पोर्शन तो इसमें एज इट इज उतारा गया है, पर ये वाला आयोडीन इस ब्रोमीन को सुपर इम्पोज नहीं कर पाएगा, ये वाला ब्रोमीन इस आयोडीन को सुपर इम्पोज नहीं कर पाएगा। तो रिजल्ट क्या होगा कि ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे के सुपर इम्पोज नहीं हो पाएंगे। तो तीसरा कैरेक्टर बच्चों यहाँ पे जो लिखना है हमें, वो लिखना है नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी। ये तीन पॉइंट मैंने यहाँ पे जो लिखे हैं, एक तो मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, जब दो स्ट्रक्चर एक दूसरे के मिरर इमेजेस होंगी, दोनों ऑप्टिकल एक्टिव होंगे और दोनों के अंदर नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी की प्रॉपर्टी होगी, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है एनेंशियोमर्स। बच्चों ये डायरेक्ट शॉर्ट नोट है, अगर आप लोग अपनी ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये डायरेक्ट शॉर्ट नोट है, आपको पूछा जाएगा कि व्हाट आर एनेंशियोमर्स, तो आपको बताना पड़ेगा कि एक दो एनेंशियोमर्स वो दो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं जिनमें की ये तीन प्रॉपर्टीज होंगी। और अगर आप इस एग्जांपल को कोट कर लेते तो आपके पूरे नंबर है वहां। तो आप लोगों को यह बात बिल्कुल क्लियर रखनी है कि इनेंसियोमर्स क्या है, इनेंसियोमर्स वो दो आइसोमर्स हैं, वो दो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं जो कि दोनों के दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं, एज वेल एज एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, एज वेल एज वो दोनों एक दूसरे पे सुपर इम्पोजिबल है, मतलब सुपर इम्पोजिबल नहीं है। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, इनेंसियोमर्स कहेंगे। ओके, इतनी बात अगर आप लोग समझ गए तो मैं एक और थोड़ा सा टफ लेवल इस पे लेकर के जा रहा हूँ आपको, जिसके बाद आपको ये एनेंशियोमर्स और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। तो ये नेक्स्ट एग्जांपल बच्चों हम लोगों को देखना है इसमें। अभी हम लोगों ने कितने सेंटर देखे, एक सेंटर देखा, अभी हमने एक एसिमेट्रिक सेंटर देखा। अब मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में लेके जा रहा हूँ बच्चों आपको, ये नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, ये हम लोगों ने जो कंपाउंड बनाया बच्चों, इस कंपाउंड को अब आप देख रहे होंगे, तो इस कंपाउंड में आप लोग देखेंगे कि दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, मतलब दिस इज अ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये दो कार्बोक्सिलिक एसिड और दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाला एक कंपाउंड है। अच्छा, अगर हम इसकी IUPAC नेमिंग करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए 1, 2, 3, 4 चार कार्बन का ये कंपाउंड है, चार कार्बन के कंपाउंड को हम क्या कह सकते हैं, ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेन डाइओइक एसिड। इसका एक नाम तो जो मेन चेन के कारण जो नाम आएगा बच्चों, ब्यूटेन डाइओइक एसिड। अच्छा,
कार्बोक्सिलिक ग्रुप वन और फोर्थ पोजिशन में। देखिए यहाँ पे हम नंबर वन देंगे, से टू देंगे, थ्री देंगे, फोर देंगे, हम इसको वन टू थ्री फोर भी दे सकते हैं, दोनों ही एक बात है। तो इसका नाम ब्यूटेनोइक एसिड, और अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की पोजिशन दिखाऊंगा तो वन फोर, या फिर मैं वन फोर डाई ब्यूटेनोइक एसिड भी बोल सकता हूँ, दोनों में से कोई भी नाम इसका आईयूपीएसी में बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें क्या है, सेकेंड और थर्ड पोजिशन में दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो इसके नाम में इन दोनों को मेंशन करना भी जरूरी है बच्चों। तो हम इसके नाम पे टू थ्री डाई हाइड्रोक्सी इतना और जोड़ देंगे, तो ये पूरे कंपाउंड का नाम आ गया। इस पूरे कंपाउंड का नाम क्या आ गया, टू थ्री डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेन डाइओइक एसिड। ब्यूटेन मतलब एक सिंगल बॉन्ड का कंपाउंड है, ब्यूटेन डाइओइक एसिड, ये इसका कंप्लीट नाम आ गया। वैसे अगर मैं आपको इसका प्रचलित नाम बताऊं, इसका ट्रेड नेम बताऊं, तो इसका ट्रेड नेम है बच्चों टार्टरिक एसिड। इसका प्रचलित नाम जो है वो है टार्टरिक एसिड। ये टार्टरिक एसिड जो है इमली में होता है, इमली खट्टी क्यों होती है, क्योंकि उसके अंदर टार्टरिक एसिड होता है। तो यही स्ट्रक्चर है बच्चों टार्टरिक एसिड का, जिसके कारण इमली में खट्टापन होता है। इस स्ट्रक्चर को अब हम इतना लंबा ना लिख करके, मैं थोड़ा सा इसको यहां से टार्टरिक एसिड के नाम से ही आगे बढ़ाऊंगा। तो टार्टरिक एसिड का बच्चों स्ट्रक्चर हमारे पास ये है। अब आप लोग इस स्ट्रक्चर के अंदर एसिमेट्रिक सेंटर को मार्क कर सकते हैं। अब तो आप समझ गए कि इसमें एसिमेट्रिक कार्बन सेंटर कौन से हैं, जिनमें की चारों वैलेंसी डिफरेंट है। देखो ये और ये दो कार्बन सेंटर ऐसे हैं जिनके पास चार अलग अलग वैलेंसी है। इसके पास बताओ कौन कौन सी चार वैलेंसी है, एक तो ये हाइड्रोजन है, एक ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एक ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, और फोर्थ वाली वैलेंसी जो है ये पूरी की पूरी वैलेंसी है, ये फोर्थ वैलेंसी की तरह इसमें काम करेगी, ठीक है ना। इस कार्बन पे चार वैलेंसी है, चारों के चारों अलग है। जबकि अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो इसमें एक वैलेंसी देखें, ये है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एक ये हाइड्रोजन है, एक ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, और चौथी वैलेंसी की फॉर्म में ये पूरे का पूरा ग्रुप जो जुड़ा हुआ है, इस पूरे के पूरे ग्रुप का चौथी वैलेंसी मानेंगे। तो अब आप लोग इसमें पता कर लिया आपने कि दो सेंटर इसमें ऐसे हैं जो कि कैसे हैं, एसिमेट्रिक हैं। दोनों के दोनों सेंटर्स पे वैलेंसीज जो हैं डिफरेंट डिफरेंट हैं, तो ये दो एसिमेट्रिक सेंटर इसमें हो गए। तो ये कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिव होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो गए हैं, ये बात आप लोगों ने समझ ली। ओके, अब अगर किसी कंपाउंड का के ऊपर एक एसिमेट्रिक कार्बन होता था तो हम टू टू दी पावर एन से ये लिखते थे, टू उसके आइसोमर्स पॉसिबल होते थे। मगर यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है, क्योंकि दो एसिमेट्रिक कार्बन है, इसलिए यहाँ पे कितनी वैल्यू, एन की वैल्यू कितनी है, टू है। तो यहाँ पे मैं इसको एन की जगह टू लिखूंगा, तो आपको पता है टू टू दी पावर टू इज फोर, तो देर आर फोर आइसोमर्स। यहाँ पे हम क्या कहेंगे, इस कंपाउंड के चार आइसोमर्स पॉसिबल हैं, चार ऑप्टिकल आइसोमर्स पॉसिबल हैं। अब वो चार आइसोमर्स को ड्रॉ करने के लिए थोड़ा सा हम लोग आगे की एक्सरसाइज देखते हैं, कैसे हम चार स्ट्रक्चर्स इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए एक स्ट्रक्चर तो हमने ये बनाया आपके सामने, दूसरा स्ट्रक्चर देखिए ये हो गया, इसमें यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रोजन दे देते हैं, और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप दे देते हैं, ठीक है ना। ये भी दूसरा स्ट्रक्चर हो सकते हैं। तीसरा स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो तीसरा स्ट्रक्चर हम कैसे बना सकते हैं बच्चों, इस केस में दोनों तरफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसी तरफ दे दिया, और एक और जो स्ट्रक्चर बच गया इसका, उस केस में हम लोग इस दोनों तरफ हाइड्रोजन और इन दोनों तरफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप दे देते हैं। देखिए यही चार पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं इसके। आप लोग इसको किसी भी तरीके से एक्सरसाइज करके देखें तो आप लोगों को पता चलेगा कि इसके अलावा हमारे पास और कोई भी स्ट्रक्चर इसके लिए पॉसिबल नहीं है, और इन चारों के चारों स्ट्रक्चर्स के अंदर दोनों के दोनों एसिमेट्रिक सेंटर को आप स्टार से मार्क कर सकते हैं। एसिमेट्रिक सेंटर को बच्चों हमेशा हम स्टार से मार्क करते हैं, ये दिखाने के लिए कि इस सेंटर के कारण जो है एक्टिविटी प्रोड्यूस हो रही, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जो चार स्ट्रक्चर्स हैं, लीजिए हमने इनका नाम भी दे दिया, इसको स्ट्रक्चर वन, इसको स्ट्रक्चर सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ स्ट्रक्चर हो गया। ओके, अब देखें अगर हम इसको क्लोजली ऑब्जर्व करें तो हम लोग देखेंगे कि स्ट्रक्चर नंबर वन और टू एक दूसरे के मिरर्स हैं, मिरर इमेजेस हैं,
देखिए अगर मिरर में हम स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये जो राइट हैंड साइड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये लेफ्ट में दिखेगा, और ये जो हाइड्रोजन राइट में है ये लेफ्ट में दिखेगा। कहने का मतलब इनकी आपस में पोजीशंस चेंज हो जाएगी। इसके अलावा ये दोनों ग्रुप तो एज इट इज दिखेंगे, अभी हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में भी देखा, आप लोगों ने देखा, केवल इस सेंटर के अराउंड जो ग्रुप्स हैं उनका अरेंजमेंट पलटा हुआ दिखेगा जब हम इसको मिरर में देखेंगे। तो ये कंपाउंड ऐसा दिखेगा, ये वाला स्ट्रक्चर मिरर में ऐसा दिखेगा, और इन दोनों को देखें तो ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे के मिरर इमेजेस दिखेंगे। देखिए ये दोनों के दोनों पलट जाएंगे तो वो इस तरफ आ जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला स्ट्रक्चर जो है मिरर में ऐसा दिखेगा और ये वाला स्ट्रक्चर मिरर में सेकंड वाले स्ट्रक्चर के तरीके से दिखेगा। मगर अब दूसरा पॉइंट हम इसमें ऑब्जर्व करें तो यहां पे अगर मान लेते हैं हाइड्रोजन से हाइड्रोक्सिल की तरफ, मान लेते हैं हाइड्रोजन से हाइड्रोक्सिल की तरफ लाइट का रोटेशन होता है, एक बार के लिए फर्ज करते हैं हाइड्रोजन से हाइड्रोक्सिल की तरफ रोटेशन होता है लाइट का, और हाइड्रोजन से हाइड्रोक्सिल की तरफ लाइट का रोटेशन होता है, तो नेट रोटेशन ऑफ लाइट आप देख सकते हो, नेट रोटेशन ऑफ लाइट क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। तो इस फॉर्म को हम क्या कहेंगे बच्चों, एल फॉर्म, ठीक है ना, आप लोग देख पा रहे हैं। मान लेते हैं हाइड्रोजन से हाइड्रोक्सिल की तरफ लाइट का रोटेशन हो रहा है, देखिए ये एक्सपेरिमेंटली यही निकलेगा, बिल्कुल भी इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब ये इसका कोई तरीका नहीं है निकालने का। जस्ट टू मेक यू क्लियर मैं आप लोगों को ये तरीका बता रहा हूं, ये हम लोगों को समझने के लिए तरीका अडॉप्ट करना पड़ता है। मैं आपको बता रहा हूं, मान लेते हैं लाइट एस से ओएच की तरफ मॉलिक्यूल के अंदर ट्रेवल कर रही है, तो ये पूरे का पूरा मॉलिक्यूल लाइट को किस दिशा में ट्रेवल कराएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा। तो इस कंपाउंड को हम एल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस वाले कंपाउंड में अगर देखें हाइड्रोजन से हाइड्रोक्सिल की तरफ लाइट मूव कर रही है, हाइड्रोजन से हाइड्रोक्सिल की तरफ लाइट मूव कर रही है, तो रिजल्टेंट लाइट कैसे मूव कर रही है बच्चों, यहाँ पे देखिए लाइट रिजल्टेंट लाइट कैसे मूव कर रही है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब इसको हम डी फॉर्म कह सकते हैं इसके, ठीक है ना। तो ये दो फॉर्म आप लोगों ने समझे। थर्ड फॉर्म की तरफ देखें, यहाँ पे भी हाइड्रोजन से हाइड्रोक्सिल की तरफ लाइट को मूव करना चाहिए और हाइड्रोजन से हाइड्रोक्सिल की तरफ लाइट को मूव करना चाहिए। इस फोर्थ वाले केस में भी हाइड्रोजन से हाइड्रोक्सिल की तरफ लाइट को मूव करना चाहिए, यहाँ पे भी हाइड्रोजन से हाइड्रोक्सिल की तरफ लाइट मूव करना चाहिए। पर ये लास्ट के जो दो एग्जांपल है, यहाँ पे देखिए लाइट आधा पोर्शन तो क्लॉकवाइज घूम रही है और आधा पोर्शन एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, सेम इसके साथ भी हो रहा है, देखिए आधा एंटी क्लॉकवाइज और आधा क्लॉकवाइज घूम रही है। तो कहने का मतलब आधे आधा पोर्शन जो है एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर दे रहा है, खत्म कर दे रहा है, कुल मिलाकर के लाइट जो है कहीं भी नहीं घूम रही है। इसका मतलब ना तो ये डी है और ना ये एल है, कहने का मतलब ये ऑप्टिकल एक्टिव है ही नहीं, यहाँ तो लाइट घूम ही नहीं रही, क्योंकि लाइट नहीं घूम रही है बच्चों, तो ये ऑप्टिकल एक्टिव है ही नहीं। कहने का मतलब ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर क्या हो गए, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। मैं इतनी बात तो समझ में आ जाएगी, इतनी बात तो हम लोगों को समझ में आ रही है कि दो चीजों में ना हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी पाली, हम लोगों को पता चल गया कि ये दोनों तो लाइट को घुमा रहे हैं और ये दोनों लाइट को नहीं घुमा रहे। तो एक जैसे दिखने के बावजूद भी इनमें दो ही फॉर्म ऐसे हैं जो कि ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि इनमें से, अब देखिए चूंकि ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, इन सबके अंदर एसिमेट्रिक कार्बन है, तो कायदे से तो फर्स्ट और सेकंड को एक दूसरे का एनेंसियोमर होना चाहिए, है ना। अभी हम लास्ट टाइम अभी लास्ट उसमें स्लाइड में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एनेंसियोमर्स का क्या मतलब होता है, जब दो चीजें एक दूसरे की मिरर इमेजेस हो, ऑप्टिकली एक्टिव हो और उठा के एक के ऊपर रखने पर सुपर इम्पोज ना हो पाए। तो देखिए इसको जब इसके ऊपर उठा करके रखने की कोशिश करेंगे तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप को सुपर इम्पोज नहीं कर पाएगा, उसी तरीके से ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस हाइड्रोजन को भी सुपर इम्पोज नहीं कर पाएगा। तो नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी तो बच्चों यहाँ पे है, पहला पॉइंट तो आपका बिल्कुल ओके हो गया, नॉन सुपर इम्पोजिबल है, यस सुपर इम्पोज, ये पॉइंट तो आप लोगों को मिल गया इसमें। मिरर इमेजेस हैं तो ये वाला पॉइंट भी बच्चों आप लोगों को मिल गया इसमें। और तीसरा केस ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये वाला केस भी आप लोगों को मिल गया, ऑप्टिकली एक्टिव तो ये वाला केस भी आप लोगों को मिल गया। कहने का मतलब आपने इसमें एक एनेंसियोमेरिक पेयर ढूंढ लिया। तो आप लोग कहेंगे कि स्ट्रक्चर वन एंड टू दीज आर एनेंसियोमर्स, एक स्टेटमेंट तो बच्चों यहां से ये मिल गया एनेंसियोमर।
ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड पेयर की तरफ। देखिए इस पेयर को देखिए, ये क्या एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं? मिरर इमेजेस, क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं? यस मिरर इमेजेस हैं। दूसरा पॉइंट, क्या ये एक दूसरे पे नॉन सुपर इम्पोजेबल है? देखिए अगर मैं इसको उठा के अगेन इसके ऊपर रखूंगा तो ये इसको नॉन सुपर इम्पोज करेगा, सुपर इम्पोज नहीं करेगा, ये इसको सुपर इम्पोज नहीं करेगा, मतलब नॉन सुपर इम्पोज भी ये है। कहने का मतलब नॉन सुपर इम्पोज, तो ये पॉइंट भी आपको बच्चों मिल गया। अब थर्ड पॉइंट जो सबसे क्रूशियल पॉइंट है इसमें, वो ये है कि क्या ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं? तो इसका आंसर क्या है? ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। कहने का मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, तो ये दोनों एक दूसरे के एनेंसियोमर नहीं है। कहने का मतलब स्टेटमेंट आ गया बच्चों, थर्ड एंड फोर्थ ये क्या है? एनेंसियोमर्स नहीं है, नॉट एनेंसियोमर्स, नॉट एनेंसियोमर्स, ये एक दूसरे के एनेंसियोमर्स नहीं है। तो अगर मैं ये चार स्ट्रक्चर बना करके आप लोगों को पूछूं कि इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो एनेंसियोमेरिक पेयर है, तो आप लोगों को बिना किसी डाउट के बोलना है फर्स्ट एंड सेकंड ऐसा पेयर है जो कि एक दूसरे का एनेंसियोमेरिक पेयर है। तो अगला क्वेश्चन बच्चों ये आता है कि ये सेकंड और थर्ड और फोर्थ एक दूसरे के क्या है? क्या इनके लिए भी कोई टर्म है? कहने का मतलब ये थर्ड एंड फोर्थ भी तो एक दूसरे का आइसोमर्स है, तो इनके लिए भी तो कोई ना कोई नाम होगा। उसी तरीके से फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और फोर्थ, सेकंड और थर्ड, सेकंड और फोर्थ भी एक दूसरे के आइसोमर्स हैं मगर एनेंसियोमर्स नहीं है। तो इसके लिए एक नया टर्म इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है बच्चों, उसका नाम है डायास्टीरियोमर्स। और टर्म देखिए, इसके एक नया वर्ड यूज किया है इन्होंने, डायास्टीरियोमर्स। ये स्टीरियोमर है मगर एनेंसियोमर्स नहीं, डायास्टीरियोमर्स। बच्चों तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है, या तो वो आपसे शॉर्ट नोट पूछेंगे इनेंसियोमर्स के ऊपर, नहीं तो वो पूछेंगे डायस्टीरियोमर्स के ऊपर। तो ये अगर एग्जांपल आपको, ये टू कार्बन वाला जो टार्टरिक एसिड का एग्जांपल है, अगर आप लोगों को ये एग्जांपल बच्चों आ रहा है तो आप इसे दोनों के दोनों आंसर से बिल्कुल से दे सकेंगे। तो इस बात को हम दोबारा से बिल्कुल लिख लेते हैं, इसको क्लियरली लिख लेते हैं। ये दोनों के दोनों, ये चारों के चारों स्ट्रक्चर सब आपको पता चल गए। अब इन चारों के चारों स्ट्रक्चर्स को ध्यान में रखते हुए आप लोग इसमें दो स्टेटमेंट्स बना सकते हो। अब चारों के चारों स्ट्रक्चर्स को ध्यान में रखते हुए फाइनल स्टेटमेंट इसमें कंक्लूड कर सकते हो कि एनेंसियोमर्स, एनेंसियोमर्स इन टार्टरिक एसिड, तो आप बोलोगे स्ट्रक्चर वन एंड स्ट्रक्चर टू, दीज आर एनेंसियोमर्स, ये दोनों एक दूसरे के एनेंसियोमर्स हैं। और अगर पूछेंगे डायास्टीरियोमर्स इन टार्टरिक एसिड, तो आप कहेंगे स्ट्रक्चर वन एंड थ्री, वन एंड फोर, टू एंड थ्री, टू एंड फोर एंड थ्री एंड फोर एंड फोर, ये सारे के सारे जो पेयर हैं, ये पांचों के पांचों जो पेयर हैं बच्चों, ये एक डायस्टीरियोमेरिक पेयर्स हैं। इनमें वो तीनों पॉइंट में से कोई एक पॉइंट जरूर मिस होगा, उन तीनों पॉइंटों में से जो हमने बोला। देखिए आप फर्स्ट को और थर्ड को अगर कंपेयर करें तो ये फर्स्ट और थर्ड, अभी देखेंगे आप लोग पीछे, अगर आप अपने कॉपी में ड्रॉ कर सकते हैं दोबारा से, तो आप देखेंगे फर्स्ट और थर्ड को अगर आप कंपेयर करें तो ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं रहेंगे। साथ साथ इसमें केवल फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर जो है ऑप्टिकली एक्टिव है, थर्ड वाला स्ट्रक्चर ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है ना। इसी तरीके से आप कोई भी पेयर को देख लें, इन दोनों इन पेयर में, किसी भी पेयर में आप लोगों को ये तीनों के तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं मिलेंगे जो कि एनेंसियोमर्स की डेफिनेशन में आती है, इसलिए इनका नाम जो है डायस्टीरियोमर्स पड़ गया। तो डायस्टीरियोमर्स को भी बच्चों आप लोगों ने यहाँ पे समझ लिया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ेंगे। ओके, ये हम लोगों ने देख लिया डायस्टीरियोमेरिक पेयर्स, हमने देख लिया, हमने एनेंसियोमेरिक पेयर्स हमने देख लिया। तो बच्चों अभी एक बात मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे और मेंशन कर लेता हूँ मैं साथ साथ, कि आप लोगों ने डी फॉर्म देखी, एल फॉर्म देखी, ये दोनों फॉर्म तो एक, ये दोनों तो फॉर्म क्या थी? ऑप्टिकली एक्टिव थी, ऑप्टिकली
एक्टिव थी, ठीक है ना, मगर जो ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म थी जिसको मीजो फॉर्म ने कहा था थर्ड या फोर्थ को, देखिए उस स्ट्रक्चर को मैं दोबारा से एक बार बना रहा हूँ, ये थर्ड फॉर्म हमने कुछ ऐसी बनाई थी, देखिए इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन ग्रुप, दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो थे एक तरफ थे, ठीक है ना, ये दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक तरफ थे और दोनों हाइड्रोजन एक तरफ थे, इस तरीके से हमने कुछ थर्ड का स्ट्रक्चर बनाया था। ये जो स्ट्रक्चर है ये ऑप्टिकली एक्टिव तो नहीं है, मगर हमने इसमें देखा कि आधा पोर्शन इसमें क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था और आधा पोर्शन इसमें एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था। बच्चों आधा पोर्शन लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा था और आधा पोर्शन एंटी क्लॉकवाइज में, तो इसलिए इस स्ट्रक्चर को हम लोग एक नया तरीके का नाम भी दे सकते हैं, डी एल फॉर्म। इसमें डी फॉर्म भी है और एल फॉर्म भी है, डी एल फॉर्म या फिर एक और ऑल्टरनेट नेम है इसका, उसको कहते हैं मीजो फॉर्म, मीजो मीजो फॉर्म। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि बच्चों इनमें से टार्टरिक एसिड के चारों स्ट्रक्चर्स में से मुझे मीजो फॉर्म्स आप पॉइंट आउट करके दिखाएं, तो आप लोग थर्ड और फोर्थ दोनों स्ट्रक्चर्स को मीजो फॉर्म्स बोलेंगे, क्योंकि इन दोनों स्ट्रक्चर्स में आधा पोर्शन डी फॉर्म की तरह काम कर रहा है, आधा पोर्शन एल फॉर्म की तरह काम कर रहा है, एज ए होल ये मीजो है। तो आप इस पॉइंट को भी जरूर अपने कॉपी में जहां पे भी नोट कर रहे हैं जरूर नोट कर लें कि जो थर्ड एंड फोर्थ स्ट्रक्चर ऑफ टार्टरिक एसिड है वहां पे मीजो स्ट्रक्चर शुरू हो गए, ठीक है ना। तो ये तीसरी फॉर्म है, एक तो फॉर्म डी फॉर्म बताई हमने आपको, एक एल फॉर्म बताई, और ये तीसरी फॉर्म ने जो आपको बताई इसका नाम है डी एल फॉर्म या फिर मीजो फॉर्म।